हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 6 न्याय। कठिन शब्द, कठिन शब्द के अंदर पहला है आपका पूंजी। पूंजी का मीनिंग होता है धन। क्या मीनिंग होता है? धन। दावत, समूह में मित्र और रिश्तेदारों को कराया गया भोजन, उसे क्या कहते हैं? काजी, न्यायाधीश, जो न्याय करता है उसे हम काजी कहते हैं। सबूत, प्रमाण है ना। फिर निराश, हताश होना, दुखी होना। अपील करना, अपील करना यानी कि निवेदन करना। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्याय पाठ। न्याय के अंदर एक जो बच्चा है वो किस प्रकार सच्चाई पूर्वक सच्चा न्याय करता है वो बताया गया है। यह एक कहानी है। इसके अंदर, इस कहानी में चातुर्य की बात बताई गई है, यानी कि चतुराई से किस प्रकार सच्चा न्याय करता है वो बच्चा वो बताया गया है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहर मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा के से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चातुर्य और सच्चाई से सच्चा न्याय कर अली ख्वाजा को मोहरें वापस दिलवाता है। इस रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक है। इस कहानी के अंदर दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं, जो अली ख्वाजा और वाजिद। अली ख्वाजा अपनी जमा पूंजी अपने दोस्त वाजिद के घर रख के जाता है, और जब वो वापस लौटता है तो उसे वो सोना मोहरे अपनी पूंजी नहीं मिलती है। तब वह कैसे अपने न्याय के लिए जाता है, और एक हसन नाम का बुद्धिशाली जो लड़का है वो किस प्रकार न्याय करता है वो पूरा इस कहानी में वर्णन किया गया है। पुराने जमाने में राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोना मोहर इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। उसके पास 1000 मोहरे आने पर उसने यात्रा पर जाने का, मक्का शरीफ की यात्रा पर जाने का निश्चय किया। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय करके वह यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली। फिर एक गड्ढे में बची हुई मोहरे डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यहाँ तेल का गड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौट कर ले लूँगा। वाजिद ने क्या कहा, अली ख्वाजा जब यात्रा पे जाने वाला था तो वाजिद के घर गया और वाजिद को कहा कि मैं ये घड़ा जो है वो आपके घर पे रख के जाना चाहता हूँ, मैं यात्रा पे जाना चाहता हूँ। उसका अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा कि तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौट के वापस ले लूँगा। वो मक्का शरीफ की यात्रा पे जाने वाला था तो उसने कहा कि मैं मक्का से लौट कर वापस ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब वापस लौटोगे तो उसे इस स्थान से ले लीजिए। वाजिद जो था उसका दोस्त, उसने उस अली ख्वाजा से कहा कि ये मेरी तहखाने की चाबी है, तहखाना यानी कि स्टोर रूम, तो स्टोर रूम में यानी तहखाने में रख आइए और जब आप वापस लौटोगे तो वहीं से ये घड़ा ले लेना। अली ख्वाजा बड़ा घड़ा लेकर यात्रा के लिए अली ख्वाजा घड़ा रख कर यात्रा के लिए निकल गए। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। रात
काजी ने वो जो तेल भरा हुआ था घड़े में वो दूसरे बर्तन में निकाल लिया। मैं सारा तेल निकाल लिया, पूरा जो जितना भी घड़े के अंदर जो तेल भरा हुआ था वो काजी ने दूसरे बर्तन में निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरे थी। क्या देखा काजी ने कि उस घड़े के अंदर 500 सोने की मोहरे थी। उसने उस मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और हो गए और उन लोगों ने कहा
विश्वासघात नहीं करना चाहिए।